Assalamualaikum जी, ये एहसास इमरजेंसी कैश में काफ़ी इंटरेस्ट है सबका, तो मैंने सोचा कि मैं एक स्लाइड डेक जो है वो एक्सप्लेन कर दूं ताकि सब क्लियर हो जाएं कि बेनिफिशरीज की सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है और पेमेंट किस तरह से होगी। तो वेरी क्विकली जो कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है एहसास इमरजेंसी कैश का पैकेज, 12 मिलियन फैमिलीज हैं, 12,000 पर फैमिली है, टोटल बजट इसका 144 बिलियन है और ये वन टाइम असिस्टेंस है कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है उसकी रिस्पांस में। अगर तो डिमांड इसकी ज़्यादा होगी तो फिर हम कैबिनेट को नया प्रपोजल लेके आएंगे। सबसे पहले मैं ये वजाहत करूँगी कि बेनिफिशरीज जो हैं एहसास इमरजेंसी कैश के वो कौन हैं। तो ये बेनिफिशरीज तीन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग कफालत बेनिफिशरीज हैं, ये 4.5 मिलियन हैं और इनको अभी हर माह 2,000 रुपये मिलता है। तो हमने फैसला ये किया कि अगले 4 माह के लिए उनको इजाफी 1,000 मिलेगा और 4 महीने की जो उनको ये 3,000 पर मंथ उनको 12,000 रुपये की वन टाइम ट्रांश मिलेगी। कैटेगरी दो में वो लोग हैं जो हमारे नेशनल सोशल इकोनॉमिक डेटाबेस से आए हैं मगर वो एक ऊपर वाले थ्रेशहोल्ड से आए हैं, यानी कि जो ये लोग हैं ये बिल्कुल बॉटम थ्रेशहोल्ड बॉटम कैटेगरी में है, ये उनसे ऊपर वाली कैटेगरी में हैं मगर आए नेशनल सोशल इकोनॉमिक डेटाबेस से। जब उन्होंने SMS किया तो हमने वेरीफाई किया कि वो वाकई हमारे नेशनल सोशल इकोनॉमिक डेटाबेस में है, ये 4 मिलियन हैं। और कैटेगरी 3 में वो लोग हैं जो जिनकी लिस्टें डिस्ट्रिक्ट्स कंपाइल कर रहा है और वो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 35 मिलियन होंगे। तमाम तीनों कैटेगरीज पे डेटा चेक्स लगेंगे, वो कैसे लगेंगे मैं उसकी अभी वजाहत करूँगी। ये तीनों कैटेगरीज जो मैंने अभी डिस्क्राइब की हैं इनकी हमारे जो प्रोविंसेस हैं और बाकी रीजन्स हैं उनकी उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी उसके लिए हम एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। जो न्यूली आइडेंटिफाइड सोशल इकोनॉमिक डेटाबेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है वो उस पर 2017 की जो सेंसस में जो डिस्ट्रीब्यूशन आई थी वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और बड़े ट्रांसपेरेंटली इसको हम शेयर भी करेंगे सबके साथ। और जो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में जो कोटे जो निकले हैं वो हम ऑलरेडी प्रोविंसेस से AJK से GB से ICT से शेयर कर चुके हैं। प्रोविंसेस को हमने ये भी कहा है कि अगर वो अपने असाइंड कैटेगरी से ज़्यादा लोगों को हेल्प करना चाहते हैं तो वो हमें उनके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे दें, नंबर इंडिकेट कर लें और नंबर के लिहाज से पैसे दे दें और हम जब अपनी पेमेंट रन करेंगे तो हम उनके एक्स्ट्रा लोगों को भी वो दे देंगे। मगर जो भी हमें अपनी लिस्ट देगा हम उस पर डेटा एनालिटिक्स रन करेंगे और वो डेटा एनालिटिक्स वेल्थ की प्रॉक्सीज हैं जिनका मैं बाद में जिक्र करूँगी। ये तमाम जो आइडेंटिफिकेशन हो रही है इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक SMS कैंपेन है जो परसों से शुरू हो गई है। जो SMS कैंपेन है वो 817 पे हम SMS रिसीव कर रहे हैं और एक प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी जो है उस पर चेक होती है कि आप इनएलिजिबल हैं, एलिजिबल हैं या आपको हमने डिस्ट्रिक्ट की क्यू में डाल दिया है, ज़िला इंतज़ामिया की क्यू में डाल दिया है। इन चीज़ों का क्या मतलब है, ये कैसे हम ये कर रहे हैं मैं उसकी अभी वजाहत। सबसे पहले तो जब हमारे पास SMS आता है 8171 पे तो हम ये देखते हैं कि वो वैलिड CNIC है या नहीं। अगर उसमें कोई नंबर मिसिंग होगा तो उसको मैसेज चला जाएगा बसत माजरत ये नंबर दुरुस्त नहीं है। फिर हम एक और डेटा फिल्टर से उसको गुजारते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि हमने 8,20,000 जो थे वो हमने 8,20,000 जो लोग थे वो हमने निकाले थे अपने BISP डेटाबेस से। ये वो डेटाबेस पड़ा हुआ है, उसमें अगर कोई गलत लोग आ जाते हैं तो उनको भी मैसेज चला जाता है कि जी आप
इमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। जो तीसरा डेटाबेस है वो गवर्नमेंट का डेटाबेस है। अगर कोई खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या उसके स्पाउस गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको नोटिफिकेशन चली जाएगी कि आप अहल नहीं हैं। और अगर स्पाउस होगा यानी कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट का खावंद या मेल गवर्नमेंट सर्वेंट की बीवी, तो उसको भी मैसेज जाएगा कि आप शिनाख्ती कार्ड नंबर एक्स वाई जेड का जौज सरकारी मुलाजिम होने की वजह से एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के अहल नहीं हैं। यहाँ मैं वजाहत करना चाहती हूँ कि हमारे पास गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो पेरोल डेटा है वो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, रेलवे, पाकिस्तान पोस्ट और बिस्प का है। इसमें पाकिस्तान के ऑटोनमस इदारे नहीं हैं, यानी कि PIA, स्टील मिल, रेल, सुई गैस, OGDCL, FBR, उनके पेरोल्स मौजूद नहीं है, तो उनको डिस्ट्रिक्ट क्यू में ही फेंका जाएगा और वो आगे कैसे पकड़े जाएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इन तीन डेटा बेसिस के बाद ये हमारा नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस में जाएगा, वो CNIC जो है। सबसे पहले 0 to 16.7 के स्कोर में जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कफालत बेनिफिशरीज हैं, उनको क्या बताया जाएगा, मैं जल्दी से बताती हूँ। अगर वो औरत जो कफालत बेनिफिशरी है तो उसको मैसेज जाएगा आप शिनाख्ती कार्ड नंबर XYZ इमरजेंसी प्रोग्राम की अहल हैं, रकम के हसूल के लिए SMS का इंतज़ार करें। अगर उसका शौहर हमें मैसेज करेगा तो उसको बताया जाएगा कि आपकी बीवी अहल है, उसको मैसेज चला गया। अगर उनकी अनमैरिड बेटा या बेटी मैसेज करेंगे तो उनको बताया जाएगा कि आपकी वालदा, आपके खानदान में आपकी वालदा अहल है, उनको ऑथराइजेशन हो गई है पेमेंट कलेक्शन की। ये जो बकेट है हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम ये फैमिली यूनिट ना रखें तो एक फैमिली में 6-6 लोग ये असिस्टेंस डिमांड करेंगे। अगर किसी की बेटी बेटे की शादी हो जाती है तो वो हमारे डेटाबेस में एक नई फैमिली बन जाती है, प्रोवाइडेड उन्होंने डेटाबेस में अपनी मैरिज को रजिस्टर किया हो, मतलब अपनी बीवी को रजिस्टर किया हो। अच्छा, अब आप ये नोट करेंगे कि ये तो 45 लाख लोग हो गए, एग्जिस्टिंग लोग हो गए जिनको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं और यकमुश्त 12,000 मिल रहे हैं, मगर हमने उसके एक ऊपर पावर्टी बैंड भी ऑथराइजेशन के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि 16.7 to 26 point। और ये भी वो लोग हैं जो टेक्निकली डेफिनेशन के तहत पुअर हैं। जब SMS वो लोग करते हैं तो वो भी पेमेंट के लिए ऑथराइज होते हैं, मगर यहाँ हमने फॉर्मूला इस तरह मेल फीमेल का इस तरह बदला है कि मेल को पहले ऑथराइजेशन होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हमें मालूम है कि कोरोना वायरस क्राइसिस की वजह से जो दिहाड़ीदार मजदूर इफेक्ट हुए हैं वो शहरों में हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, शहरों में उनकी दिहाड़ियाँ नहीं हैं, तो हम उनकी औरतों को नहीं, अगर औरतें लकी मरवत में, मोहम्मद एजेंसी में, गांव में हैं तो उनको असिस्टेंस, मैं ये नहीं कह रही कि इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर वी हैव टू मेक अ चॉइस कि फैमिली में किसको देनी है, तो हमने मेल्स को प्रायोरिटी रखी है। मेल का दिहाड़ीदार का CNIC नंबर आया तो उसको कहा जाएगा आप, और अगर वो इस बैंड में है उसको कहा जाएगा आप शिनाख्ती कार्ड नंबर एमरजेंसी प्रोग्राम के लिए अहल है, रकम की नोटिफिकेशन का इंतजार करें। अगर लकी मरवत में उसकी बीवी रहती है, आदमी कराची में, आदमी को नोटिफिकेशन आ गई है, लकी मरवत में उसकी बीवी को नोटिफिकेशन मिलेगी कि आपके शौहर को नोटिफिकेशन गई हुई है, और अगर उनके अनमैरिड बच्चे हों वो करें तो वो इसी तरह से ट्रीट होंगे। इस तरह हम ये मेक श्योर करेंगे कि एक फैमिली में से एक ही इंडिविजुअल असिस्टेंस ले, और इन सबको ये लाल रंग की जो नोटिफिकेशन है कि आपको, आप ऑथराइज्ड हैं, आपको हम पेमेंट की डिटेल्स जल्दी बता रहे हैं। अब मैं ये भी आपको बताती जाऊं कि इस कैटेगरी में बहुत सी बेवाएं और जो हैं उनको भी हमने केटर किया हुआ है, जो स्लाइटली 16.7 से हायर PMT पे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। किसी का SMS आया, वो ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है, ना इधर है,
उसको एसएमएस मिलेगा कि आप अपने जिलाई इंतजामिया से रब्ता करें। अब जिलाई इंतजामिया का जिनको परसों शाम से एसएमएस जा रहे हैं, उनको आज एक फॉलो अप मैसेज जाएगा कि आपकी जांच पड़ताल हो गई है, आई बेग योर पार्डन, हो रही है, और उनको ये तकलीफ ना हो कि उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाना पड़े, क्योंकि वी रियलाइज कि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचने के लिए। तो उनके लिए हमने एक वेब पोर्टल खोल दिया, ehsaas.nadra.gov.pk, ताकि वो खुद को रजिस्टर करा सकें। अब ये होगा कि जिन लोगों को एसएमएस, या वो एसएमएस से रजिस्टर हैं या वो वेब से रजिस्टर हैं, उनकी लिस्ट हम प्रोविंसेस को भेजेंगे। प्रोविंसेस वो उन लिस्ट से कंबाइन करेंगी जो वो खुद बना रही हैं, और प्रोविंसेस को एक सिक्योर वेब पोर्टल प्रोवाइड कर दिया गया है, ताकि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइड लिस्ट्स अपलोड करें यूजिंग देयर यूनिक लॉगिन क्रेडेंशियल्स। अब आगे क्या होगा? आगे फिर एक एनालिटिक्स का प्रोसेस चलेगा, क्योंकि खाली एसएमएस वाले नहीं हैं जो फिल्टर्ड हैं, ये और भी लिस्टें डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं, तो हमें दोबारा से एनालिटिक्स चलाने हैं। सबसे पहले फिर इनवैलिड इन सीएनआईसी देखी जाएगी, उसको इनवैलिड सीएनआईसी का एसएमएस जाएगा। फिर अगर वो जैसे कि पहले हमने किया था, सैनिटी ब्लॉक्ड हैं, प्रोफाइलिंग ब्लॉक्ड हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ, जैसे पहले उनको एसएमएस गए थे, इनएलिजिबिलिटी एसएमएस जाएंगे। फिर 16.7 पीएमटी वालों को भी, जैसे मैंने बताया था, औरत को, शौहर को, अनमैरिड बच्चों को पेमेंट नोटिफिकेशन जाएगी। फिर हायर एलिजिबिलिटी बैंड वालों को, पहले आदमी को, फिर उसकी बेगम को, फिर उसके बच्चों को, इन दैट प्रायोरिटी जो मैसेजेस हैं वो पेमेंट नोटिफिकेशन जाएंगी। उसके बाद जो हमारे कट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ऊपर होंगे, उनको इनएलिजिबिलिटी का एसएमएस जाएगा। और फिर ये तमाम क्यू हमारे वेल्थ प्रोफाइलिंग डेटा को हिट करेगी, जो बहुत ही अहम है, जो मैं उसकी वजाहत अभी करूंगी। तो अगर लेट्स से कोई कोई ऑफिशियल है, पीआईए का कोई ऑफिशियल है, एफबीआर का ऑफिशियल है, और वो अभी तक इससे अबव है, तो वो यहाँ प्रोफाइलिंग में उसकी उसके नाम पे रजिस्टर्ड गाड़ी पकड़ी जाएगी। उसके आई डोंट मीन इन अ नेगेटिव वे, हमें पता चल जाएगा कि उनके नाम पे गाड़ी है, हमें पता चल जाएगा कि उनके नाम पे उन्होंने फॉरेन ट्रैवल किया हुआ। ये वेल्थ प्रोफाइलिंग जो है, यहाँ से वहाँ लोग आइडेंटिफाई होंगे, उनको इनएलिजिबिलिटी एसएमएस जाएगी, और जो इन तमाम चीज़ों को पास करेंगे उनको पेमेंट नोटिफिकेशन जाएगी। तो ये एक मल्टीपल स्टेप का प्रोसेस है। एसएमएस से शुरू हुआ, फिर डिस्ट्रिक्ट्स को लिस्ट पुश हुई, फिर उन्होंने ऐड की, फिर हमने दोबारा से वो चलाया। जो मैं वेल्थ प्रोफाइलिंग कह रही थी वो ये क्राइटेरिया हैं, ट्रैवल, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, हाई पीटीसीएल बिल्स, एक्सेस ऑफ एग्जीक्यूटिव सेंटर्स, नादरा के एग्जीक्यूटिव सेंटर्स, एंड एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट, ये लोग एलिजिबल नहीं हैं फॉर टू रजिस्टर। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो बेनिफिशरीज की आइडेंटिफिकेशन की। अब मैं जल्दी से आपको बताऊंगी कि इस सिस्टम में हम पेमेंट्स कैसे करेंगे। पेमेंट पे जाने से पहले बड़ी जल्दी मैं आपको बता दूं कि ये अभी 5 मिनट पहले ही मुझे डेटा रिसीव हुआ है। जो एसएमएस में मैसिव इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट है कि हमारी तमाम सर्वर्स और तमाम चौक हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, इतने ज़्यादा हमें एसएमएस मौसूल हो रहे हैं। तो ये क्विक स्नैपशॉट ऑफ वेयर वी स्टैंड। पेमेंट पे मैं अब आती हूँ। पेमेंट जो होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद होगी, 18,000
65 से ज़्यादा पॉइंट्स ऑफ सेल होंगे जो शॉप्स होती हैं, और दो पार्टनर बैंक्स हबीब बैंक और बैंक अलफला। ये एहसास का डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो हमने एक बड़े लंबे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के बाद 2019 में दो पार्टनर बैंक्स को हम ऑन बोर्ड लाए थे, बैंक अलफला और हबीब बैंक। इनकी ब्रांचेस, दोनों बैंकों की ब्रांचेस तमाम मुल्क में हैं, और ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये येलो जो है ये सबसे कम नंबर इंडिकेट, ब्लू सबसे कम नंबर इंडिकेट करता है, फिर येलो, उसके बाद रेड और उसके बाद पिंक। ये एक रफ सा इंडिकेशन है कि ये जो पॉइंट्स ऑफ सेल्स हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं और बैंक ब्रांचेस कहाँ कहाँ सर्व करेंगी। बेसिकली बैंक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम के साथ, उनकी अपनी ब्रांचलेस बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, और ये जो पैसे निकालने की जो सिस्टम होता है ये छोटी छोटी दुकानों पे होता है। हबीब बैंक का जो सिस्टम है उसको कनेक्ट कहते हैं, उनके एटीएम्स से भी पैसे निकाले जा सकते हैं। पूरे मुल्क में 1800 उनके एटीएम्स हैं, बायोमेट्रिक एटीएम्स हैं। ये बहुत अहम बात है कि ये कोई आइडेंटिटी कार्ड के अंदराज के बाद पैसे नहीं दिए जाएंगे। जिसको एसएमएस जाएगा कि आप पेमेंट के अहल हैं, उस एसएमएस पे उनका आईडी कार्ड नंबर लिखा होगा, और आईडी कार्ड नंबर के साथ फिंगरप्रिंट मैचिंग होगी। हमने जो भी बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए होंगे उनके सीएनआईसी अपने पार्टनर बैंक्स को भेजे होंगे, तो हर दफा 12,000 रुपए निकलेंगे। वो औरत अंगूठा लगाएगी, हमारी बैक एंड इंटीग्रेशंस के साथ नादरा बैंक की जो हमारी इंटीग्रेशंस हैं, जो हमने एक साल लगा के ये सिस्टम बनाया है, वो उधर से अंगूठा उसका वेरीफाई करेगी, फिर उस औरत को पैसे मिलेंगे। हबीब बैंक का जैसे मैंने बताया ये नेटवर्क है बैंक अलफला के साथ, तीन रिटेल पार्टनर्स इन्वॉल्व। अब मैं थोड़ा सा चैलेंजेस और डिपेंडेंसीज पे आती हूँ, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समाजी तहफ़ुज का पैकेज है। ये एक बड़े मुश्किल एनवायरनमेंट में हो रहा है, जहाँ पे एक कोरोना वायरस की वजह से बहुत से दिहाड़ीदार लोग बिल्कुल फाकों पे आए हुए हैं, और जहाँ पे जो माशी सरगर्मियों के कम होने की वजह से बहुत से लोग गुर्बत की लकीर के नीचे धंसने का खतरा है। तो ऐसे तनाजुर में हमें, हमारी यही तरजीह है और प्राइम मिनिस्टर की भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम जल्द से जल्द पैसे निकालें और लोगों के हाथों में पहुंचाएं। हमारी डिपेंडेंसीज क्या हैं, जल्दी से बताती जाऊं। सूबाई हकूमतों को हमने कहा है कि ये जो छोटी छोटी इजी पैसा की दुकानें हैं, उनकी इजी पैसा टाइप की जो दुकानें हैं, उनके अलावा आप पब्लिक बिल्डिंग्स हमें दें ताकि हम वहाँ पेमेंट साइट्स लगाएं। हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहा है कि जहाँ जहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं और बैंक्स हैं, वहाँ आप सिक्योरिटी दें और क्यू मैनेजमेंट करें। आप रिटेलर्स को, दुकानों को, अगर वहाँ लॉकडाउन है तो इजाज़त दें कि वो खुले रहें ताकि लोग अपने पैसे वहाँ ले सकें। हमारी इस्तदा है डिस्ट्रिक्ट से, प्रोविंसेस से, कि जो कैटेगरी थ्री वाली लिस्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट्स ने कंपाइल करनी है, उसमें लोगों की ज़रूरत को ज़्यादा से ज़्यादा मलहूज रखें कि गलत लोग ना आए। हालांकि हम बहुत डेटा चेक्स करेंगे, फिर भी मुझे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने एंड पे ख्याल रखें। प्रोविंशियल डिस्कॉर्डेंस इन स्कीम्स पेमेंट्स विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस, ये मैंने ख़ास तौर पर लिखा है, और हमने तमाम प्रोविंसेस को कहा है कि अगर आपने कोई 4,000 का पैकेज देना है, कोई 3,000 का पैकेज देना है, तो आप अलहदा से ना चलाएं, क्योंकि जो दुकानदार होता है वो फिर मासूम बेचारे लोगों को ये कहता है कि जी आपके तो 3,000 आए हैं, 12,000 नहीं आए। डुप्लीकेशन ना करें, हमारे साथ पार्टनरशिप करें ताकि एक ही पेमेंट सिस्टम यूज हो, एक ही मैसेजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसेजिंग, हम जब पेमेंट चलाएंगे तो मैसिव मैसेजिंग करेंगे टीवी पे, रेडियो पे, अनाउंसमेंट्स में, मास्क अनाउंसमेंट्स पे, कि 12,000 आ रहे हैं,
सबके जिनके पास एसएमएस मैसेजेस सबके लिए आ रहे हैं, तो आपकी फील्ड में मेरे हमारी रिक्वेस्ट भी होगी कि इस चीज को इंश्योर करें कि तमाम रिटेलर्स 12,000 ही दें। पार्टनर बैंक एचबीएल और अल्फला से हमारी रिक्वेस्ट है कि सारे पॉइंट ऑफ सेल्स खुले रखें, और जो सैनिटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि हमने बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि बायोमेट्रिक मशीन पे उंगली लगाने से पहले अल्कोहल स्वाब होगा, उसके बाद अल्कोहल स्वाब होगा, औरत हाथ धोएगी पहले बाद में, और सैनिटाइजर अवेलेबल होंगे, उसकी स्ट्रिक्टली हम कड़ी निगरानी करेंगे। और स्टेट बैंक ने हमारा इसके इस पूरे सिस्टम में बहुत तावुन किया है, हमारा उससे उनसे ये अब रिक्वेस्ट है कि जो क्योंकि कैश बहुत चाहिए होगा अगले हफ्ते से, कि लिक्विडिटी बैंक्स को प्रोवाइड करें और नए करेंसी नोट दें, ताकि वो उनमें कोरोना वायरस कंटेमिनेशन का कोई डर ना हो। तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि हम शफाफियत और ट्रांसपेरेंसी और रूल बेस्ड क्राइटेरिया को पूरी तरह से हमने फोकस किया हुआ है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि ये जो कैश की डिस्ट्रीब्यूशन है हकदार लोगों को, ये रूल बेस्ड मैनर पे हो, और जो सबसे नीचे हैं सबसे पहले उनकी हम मदद करें। एक कंप्लेंट्स का भी जब पेमेंट चलेगी तो कंप्लेंट्स का भी नंबर होगा, अपील्स का भी प्रोसेस होगा, उसके पे मैं बाद में आपको आगाह करूंगी। मैं ये वीडियो इसलिए रिलीज कर रही हूँ कि बहुत से कोलीग्स मुझे कॉल कर रहे हैं और इतनी रिक्वेस्ट्स हैं फॉर क्वेश्चंस, फॉर क्लैरिफिकेशंस, कि मैं वाकई रिस्पॉन्ड नहीं कर सक रही। मैं और मेरे कोलीग्स लिटरली 24/7 काम कर रहे हैं ताकि ये चीज़ डिप्लॉय हो, जल्दी हो। तो मैंने कहा कि आपको कम से कम मैं एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो भेज दूं ताकि आपको पता हो कि क्या हो रहा है, और इंशाल्लाह मैं अगर कल कोई नई इन्फॉर्मेशन हुई तो आई विल कम एंड गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच, और हमारे लिए दुआ करें कि पाकिस्तान के वो तमाम मजबूर लोग जो इस वक्त इंतहाई मजबूरी की हालत में कोरोना वायरस की सिचुएशन की वजह से हैं, अल्लाह मियां हमें तौफीक दे के हम सब मिल के उनकी इस वक्त खिदमत कर सकें। हुकूमत पाकिस्तान की ये पूरी नीयत है कि ये काम दयानत से हो और हकदारों को उनका हक मिले। बहुत शुक्रिया।